हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और चलिए बढ़ेंगे आगे। गुरुग्राम में 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर पिंक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महिला दिवस को खास बनाने के लिए हरियाणा सरकार गुरुग्राम में पिंक मैराथन का आयोजन करने जा रही है। इस मैराथन को स्वयं सीएम हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। मैराथन को लेकर एक वेबसाइट की शुरुआत की गई, जिस पर जाकर 13 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां और महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 5 मार्च है। इस मैराथन में करीब 50,000 से लेकर 1,00,000 महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर सुरक्षा और सुविधा का इंतजाम बेहतर हो पाए, उसकी योजनाबद्ध तरीके से तैयारी भी शुरू हो गई है। बेसिक पर्पज इस मैराथन को करने का है कि महिलाओं की जो हेल्थ है हरियाणा में वो इम्प्रूव हो, फर्दर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन हम कर पाए। और अभी फिलहाल ये जो लोग जो महिलाएं जो आएंगी इसमें गुड़गांव की आएंगी, और इसी तरह के आयोजन आप जैसा जानते हैं कि पहले भी स्टेट में अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह होते रहे हैं। इस मैराथन में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पार्टिसिपेट करेंगे आएंगे और वो चीफ गेस्ट होंगे। 8 मार्च को मैराथन की शुरुआत गुरुग्राम बॉर्डर के पास साइबर हब से की जाएगी। सुबह 7 से 8 बजे के बीच इस मैराथन को सीएम हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद शहर के कई इलाकों में मैराथन पहुंचेगी, जिसमें 5 किलोमीटर से लेकर 10, 21 और 42 किलोमीटर की कैटेगरी निश्चित की गई है। इसमें प्रथम आने वाली महिलाओं को इनाम भी दिया जाएगा। जो आपका हमारा जो 42 और 21 और 10 किलोमीटर की रेस है, उसमें इनाम की संख्या जो टोटल अवार्ड जो है 10,00,000 के आसपास का है। महिला सशक्तिकरण के लिए मनोहर सरकार समय समय पर कदम उठाती रही है और 8 मार्च को महिला दिवस पर पिंक मैराथन के आयोजन को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गुरुग्राम से मनोज वशिष्ठ की रिपोर्ट।